हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध नवा अध्याय श्लोक संख्या 48 एंड 49। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः तदा महयुं ददाति स्व पदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरयेत्। नष्टतायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती युत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिके। पञ्चतत्त्वात्मकं शिष्यं भक्तरूप स्वरूपकम्, भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशास्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। सप्तकाञ्चनं गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सूते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। नवा प्रथम स्कंध नवा अध्याय जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि भीष्म देव भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट कर गए, संपद्यमान आख्याय भीष्म ब्रह्म निष्कले, और उसके बाद जितने भी वहाँ पर ऋषि मुनि थे उन्होंने चक्र दुंदर भयो नेदिर देव मानव वादिना, जितने भी देवता थे और मनुष्य थे उन्होंने क्या किया,
बाजे बजाए और आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा की। उसके उपरांत युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह का अंतिम क्रिया कर्म किया और उसके उपरांत जितने भी मुनिगण थे वो बहुत ही प्रसन्न हुए। तुष्टुर मुनयो हृष्टा कृष्णम तद्गुह्यमान भी, और प्रसन्न होकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के गुह्य नामों को उच्चारण किया, मुख्य रूप से भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने लगे। और उसके उपरांत ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान प्रययुः पुनः, पुनः अपने अपने आश्रमों में गए। क्या करके? हृदय में। ततस्ते कृष्ण हृदया, अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को विराजमान करके। उसके उपरांत सुत गोस्वामी कहते हैं, ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयम् पितरम् सान्त्वयामास गांधारीं च तपस्वीं। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयम् पितरम् सान्त्वयामास गांधारीं च तपस्वीं। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयम् पितरम् सान्त्वयामास गांधारीं च तपस्वीं। ततो युधिष्ठिर गत्वा, गत्वा मतलब गए। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज गए कहाँ? सह कृष्णो, कृष्ण के साथ, अपने भाइयों और कृष्ण के साथ गजावयम। गजावयम मतलब गज कहते हैं हाथी को, और वयम जहाँ पर बहुत ज्यादा बलवान लोग रहते हैं, गज आवयम। और हस्तिना, हस्ती भी बोलते हैं हाथी को, और पुर जहाँ पर बहुत बहुत बलवान राजा रहते हैं, अर्थात युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल, यानी कि इससे पहले भी जितने भी हस्तिनापुर के राजा रह चुके हैं, जैसे भीष्म पितामह के निर्देश में राज्य चल रहा था। बाहर इस राजधानी का था नाम गजावयम। तो उसके उपरांत युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों और कृष्ण के सहित तुरंत ही हस्तिनापुर में गए, और हस्तिनापुर में जाकर क्या किया? पितरम सांत्वयामास, पितरम मतलब अपने पिता, पिता समान धृतराष्ट्र महाराज को सांत्वयामास, उनको सांत्वना दी। गांधारी से तपस्विनी, और गांधारी महारानी को भी, जो कि परम तपस्विनी थी, उनको भी सांत्वना दी। अब क्योंकि जैसे ही भीष्म पितामह से ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद वो अपने दूसरे कर्तव्यों का पालन करने के लिए पुनः हस्तिनापुर में गए। अब देखो उससे पहले क्या था, जब हस्तिनापुर में थे ना युधिष्ठिर महाराज युद्ध करने के बाद गए थे, तो उस समय वो खुद ही इतने ज्यादा शोक में थे, इतने ज्यादा दुखी थे कि गांधारी और धृतराष्ट्र की ओर जा ही नहीं सके थे उनको सांत्वना देने के लिए। परंतु अब क्योंकि भीष्म पितामह के द्वारा उन्होंने बहुत बहुत ज्ञान सुना था और श्रवण किया था, तो फिर उनका जो दुख था वो समाप्त हो गया था। अब वो इस योग्य हो गए थे कि वो सांत्वना दे सकते थे तब, और उन्होंने जैसे जैसे भीष्म पितामह से सुना था उसी तरह से इतिहास कह कह कर वो गांधारी और धृतराष्ट्र को ज्ञान दे रहे थे और उनको सांत्वना दे रहे थे। वास्तव में जब हम श्रवण करते ना, तो श्रवण करने से ज्ञान बहुत बढ़ जाता है और हम इस योग्य हो जाते हैं हम किसी और को समझा सके। लेकिन आज का व्यक्ति श्रवण नहीं करना चाहता, वो सोचता है कि मैं अपने ओन से समझाऊं। लेकिन ये शास्त्र विद्या जो है वो प्रामाणिक आचार्य जो होते हैं उनके द्वारा जब हम श्रवण करते हैं तभी हम उनको दूसरों को समझा सकते हैं, वरना ऐसे ही हम अपनी मन बुद्धि से, मानसिक चिंतन से इसको समझ नहीं सकते। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्योंकि भीष्म पितामह के द्वारा ये बहुत बहुत ज्ञान सुना, इसके बाद वो क्या करने गए? सांत्वना, पितरम सांत्वयामास गांधारीं च तपस्विनी। यहाँ पर गांधारी महारानी को तपस्विनी कहा गया। वास्तव में गांधारी जो थी वो वास्तव में तपस्विनी थी, वो शिव भक्तिनी थी, और जिस दिन से उन्हें पता चला था कि मेरे पति नेत्रों से नहीं देख सकते, उसी दिन से उन्होंने भी अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली थी। और बहुत, ये बहुत बड़ी तपस्या है कि अपने
नेत्रों से, नेत्रों के होते हुए भी हम अपने जीवन को अंधकारमय कर लें और हम जीवन में कुछ भी ना देखें, जीवन की कोई भी रंगीनी, जीवन का कोई भी चार्म जो है वो हम अपने आप से। अब देखो, धृतराष्ट्र की मजबूरी थी कि वो तो जन्म से अंधे थे, लेकिन गांधारी की मजबूरी नहीं थी। उन्होंने तो अपने पति की भक्ति के पति भक्ति में उन्होंने ऐसा किया था। यहाँ तक कि धृतराष्ट्र भी उनको मना करते थे कि नहीं, मैं तो वैसे भी जन्म से अंधा हूँ, तो मैंने सोचा था कि मैं जो मेरी अर्धांगिनी आएगी उनके नेत्रों से देखूंगा और तुमने भी अपने आंखों पर पट्टी बांध दी तो फिर हम दोनों ही नेत्रहीन अब कैसे जिएंगे। तब गांधारी ने यह तर्क दिया था कि नहीं स्वामी, जिस संसार के जिस भोग का आनंद आप नहीं ले सकते हो, तो मैं भी आपकी पत्नी हूँ, मैं उस आनंद को नहीं ले सकती, मैं वो आनंद नहीं ले सकती, मैं संसार में देखती रहूँ, मजा करती रहूँ और मेरे पति जो है वो नेत्रहीनता के कारण कुछ भी देखे नहीं, तो ये चीज मुझे मुझसे मैं इसको सहन नहीं कर सकती। जो दुख आप बर्दाश्त कर रहे हो उस दुख को मुझे भी बर्दाश्त करने दो, और जो सुख आप नहीं ले सकते हो वो सुख मैं ले नहीं सकती हूँ। तो इस तरह उन्होंने, उनकी पूरा जीवन एक तपस्या था। हालांकि अगर देखा जाए तो उनका पति धृतराष्ट्र जैसा था और उनके पुत्र जो थे वो दुर्योधन जैसे थे, लेकिन ये तो उन्हें अपने कर्मों के अनुसार मिले थे, परंतु फिर भी उन्होंने अपना जीवन जो है वो पति भक्ति और पुत्रों की सेवा में गुजारा। एक आदर्श पत्नी थी और एक आदर्श माता भी थी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपने कर्मों के अनुसार हमें जो जो व्यक्ति के साथ जो जो संबंध मिलता है, हमारा कर्तव्य क्या है कि हम उस संबंध को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाएं। अब पत्नी को हम सब यहाँ पर ये सोचें कि पत्नी को सीता जैसा व्यवहार करना है अपने पति के साथ, लेकिन इसका जरूरी नहीं है कि पति भी राम जैसा होना चाहिए। नहीं, पति आपको आपके कर्मों के अनुसार जैसा भी मिला है, पुत्र आपको आपके कर्मों के अनुसार जैसा भी मिला है, हमारा कर्तव्य क्या है कि हम अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करें। और अपने कर्तव्यों को पालते पालते हम ये याद रखें कि क्योंकि भगवान ने ये सारे कर्तव्य मुझे सौंपे हैं, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैं कार्य कर रही हूँ। चाहे जैसा भी मुझे आज मेरे कर्मों के अनुसार मिला है, मुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना। तो यही सोचकर गांधारी महारानी जो है वो अपने जीवन को बिताती थी, इसलिए उनका यहाँ पर तपस्वी कहकर सूत गोस्वामी ने सम्मान किया है। अनुवाद। तत्पश्चात तुरंत ही महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहाँ पर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्विनी गांधारी को धारस बंधाई। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति से समझाएंगे। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, धृतराष्ट्र तथा गांधारी दुर्योधन आदि सौ भाइयों के पिता माता थे और नाते में वे महाराज युधिष्ठिर के ताऊ ताई लगते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अपने सारे पुत्र पौत्रों को खोकर यह यशस्वी दंपति महाराज युधिष्ठिर के संरक्षण में था। वे इतनी अपार क्षति से उत्पन्न अत्यंत ही कष्ट से संतप्त थे और तपस्वियों का सजीवन बिता रहे थे। धृतराष्ट्र के साथ साथ भीष्म देव की मृत्यु इन राजा रानी के लिए दूसरा गहरा आघात था, अतएव उन्हें महाराज युधिष्ठिर के से सांत्वना की आवश्यकता थी। महाराज युधिष्ठिर को अपने कर्तव्य का ज्ञान था, अतएव वे तुरंत ही कृष्ण सहित उस स्थान पर पहुंच गए और शोक आकुल धृतराष्ट्र को दयामय शब्दों से अपनी और भगवान की ओर से संतुष्ट किया। श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि क्योंकि गांधारी और धृतराष्ट्र जो थे उनके 100 पुत्रों की यहाँ पर मृत्यु हुई थी, उनके पौत्रों की यहाँ पर मृत्यु हुई थी, वो बहुत ज्यादा दुखी थे। और उससे भी बड़ी बात कि भीष्म पितामह जो के जिनके संरक्षण में रहकर वो अपने आप को बहुत ही
सुरक्षित महसूस करते थे। आज भीष्म पितामह जी भी इस संसार से चले गए, उनके सारे पुत्रों का और पौत्रों का वध हो गया था, तो बहुत ज्यादा दुखी थे और उनको सांत्वना की आवश्यकता थी, और इसलिए महाराज युधिष्ठिर अपने इस कर्तव्य का पालन करने के लिए तुरंत ही उनके पास गए और भगवान श्री कृष्ण और अपनी ओर से उनको संतुष्ट किया। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यद्यपि गांधारी आज्ञाकारी पत्नी तथा दयालु माता का जीवन बिता रही थी, लेकिन वे शक्तिमान तपस्विनी भी थी। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने पति के अंधत्व के कारण स्वेच्छा से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। पति का कर्तव्य है कि वो पति का 100% अनुगमन करे। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी हमें पत्नी के कर्तव्य के विषय में बता रहे हैं कि पत्नी का ये कर्तव्य है कि 100% अनुगमन करे। और गांधारी इतनी पति परायण थी कि पति के निरंतर अंधित्व में उनका अनुगमन करती रही। यानी कि जैसा अब पति जो पति के पास सुख नहीं है वो पत्नी को नहीं उसको भोगना नहीं चाहिए। और आगे श्री गोपाल जी बता रहे हैं कि अतएव वे अपने कार्यों से महान तपस्विनी थी। अतएव अपने कार्यों से महान तपस्विनी थी। इसके अतिरिक्त अपने 100 पुत्रों तथा पौत्रों के सामूहिक वध से उन्हें अवश्य ही गहरा आघात लगा था, जो किसी भी स्त्री के लिए बहुत अधिक है। एक स्त्री जो है वो ये बात सहन नहीं कर सकती है कि उसके पुत्र को कोई दुख पहुंचे। छोटी सी भी अपने पुत्र की तकलीफ वो नहीं बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन यहाँ पर गांधारी उसके 100 पुत्रों का वध हुआ था, तो उसे बहुत ज्यादा दुख पहुंचा था, बहुत कष्ट, बहुत सी गहरी पीड़ा थी। और इसके बावजूद भी उन्होंने इसको सहन किया था, लेकिन उन्हें तपस्विनी की बात ये सब कुछ सहन कर रही थी। स्त्री होकर भी गांधारी का चरित्र भीष्म देव से किसी तरह कम नहीं था। श्रील प्रभुपाद जी उनका सम्मान करते हुए कहते हैं कि भले ही वो स्त्री थी, लेकिन फिर भी उनका चरित्र इतना पवित्र था कि भीष्म देव से किसी तरह से कम नहीं था। जिस प्रकार भीष्म देव भी मजबूर होकर अन्याय का साथ दे रहे थे, उसी प्रकार से गांधारी भी तपस्विनी थी, लेकिन क्योंकि उसके भाग्य के अनुसार उसका ऐसा पुत्र था और उसके ऐसे पति थे, तो वो अपने भाग्य के अनुसार जो भी उन्हें मिला था उनके साथ वो बिल्कुल ही अपने कर्तव्य निभा रही थी। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि ये दोनों महाभारत के सुप्रसिद्ध चरित्र थे। बहुत ही इनका कैरेक्टर जो था वो एकदम परफेक्ट था, बहुत ही सुप्रसिद्ध थे ये दोनों, गांधारी और भीष्म पितामह के विषय में श्री गोपाल जी कह रहे हैं। आगे सूत गोस्वामी कहते हैं, पित्रा चानु चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः जकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभु पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभु पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभु सकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभु पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः सकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभु। शब्दात् पित्रा चानुमतो राजा, पिता मनम जो धृतराष्ट्र महाराज थे वो युधिष्ठिर महाराज के पित्र के बराबर थे, यानी ताऊ थे ना, बड़े थे पांडवों से, तो पांडव के बड़े भाई थे इसलिए ताऊ थे, तो उनको पित्रा कहा है। पित्रा चानुमतो राजा, राजा युधिष्ठिर महाराज को कहा है सुत गोस्वामी ने। वे बता रहे हैं कि क्योंकि युधिष्ठिर महाराज
युधिष्ठिर महाराज ने उनको सांत्वना देने के बाद उनसे आज्ञा मांगी कि हे ज्येष्ठ पिताश्री, क्या आपकी आज्ञा है मैं इस राज्य को संभालूं। तब धृतराष्ट्र महाराज ने बहुत ही प्रसन्न होकर उन्हें आज्ञा दी कि हाँ बेटा, ये तुम्हारा ही राज्य है, वास्तव में तुम ही अधिकारी हो, इसे तुम शासन करो इस राज्य का। और इसके इसके अतिरिक्त ये कहते हैं वासुदेवानुमोदिता। उसके बाद जैसे जैसे वासुदेव भगवान ने उनको बताया, उनको वासुदेव को श्री कृष्ण के द्वारा अनुमोदित हो गए, यानी जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे उसी अनुसार वो राज्य करे। चकारम राज्य धर्मेण, चकारम यानी कि चलाया उस राज्य को धर्मेण, कैसे चलाया, धर्म के, वो वास्तव में वो धर्मराज थे और हस्तिनापुर का राज्य जो था वो अब धर्मराज के हाथ में आ गया था। तो जाहिर सी बात है कि धर्म के अनुसार और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञाओं के अनुसार उस राज्य को उन्होंने चलाया। पितृ पैतामहम विभु, ये राज्य जो पितामह और बहुत ही पुराने उनके पिताओं के पिताओं के पिताओं से जो राज्य इनको मिला था उसको उन्होंने बहुत ही न्याय के साथ धर्म के साथ इस राज्य को युधिष्ठिर महाराज ने चलाया और भगवान श्री कृष्ण के अनुमोदन से बहुत ही धर्म के साथ इस राज्य को किया उन्होंने। अनुवाद देखिए, तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने साम्राज्य महाराज युधिष्ठिर ने साम्राज्य का संचालन अपने ताऊ द्वारा तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के अनुसार किया। श्री प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी समझा रहे कि महाराज युधिष्ठिर कोरे कर संग्रह करता न थे, यानी कि जिस तरह से आजकल राजा होते हैं बस टैक्स लेते हैं और उसके बाद प्रजा के विषय में कुछ नहीं सोचते, ऐसे नहीं थे वे। राजा के कर्तव्यों के प्रति सदैव सचेष्ट थे, क्योंकि राजा पिता या गुरु से कम नहीं होता। राजा को प्रजा की सभी दृष्टिकोण दृष्टियों से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक उत्थान की दृष्टि से भलाई देखनी होती है। राजा को जानना चाहिए कि मनुष्य जीवन बद्ध आत्मा को भौतिक बंधन से मुक्त करने के लिए है, अतएव उसका धर्म है कि वह प्रजा की ठीक से देखभाल करे, जिससे वह सिद्धि की चरम अवस्था को प्राप्त कर सके। श्री प्रभुपाद जी राजा के कर्तव्यों के विषय में बता रहे हैं कि राजा का कर्तव्य ये नहीं है कि खाली प्रजा से टैक्स ले। राजा को पता होना चाहिए, राजा को इतना योग्य होना चाहिए, ऐसे नहीं बस वोटिंग करके किसी भी व्यक्ति को राजा। राजा को धर्मात्मा होना चाहिए, उसे धर्म के विषय में ज्ञान होना चाहिए और उसे ये भी ज्ञात होना चाहिए कि क्योंकि यह मनुष्य जीवन आत्मा को भौतिक बंधन से मुक्त कराने के लिए है, अतः उसका धर्म है कि वह प्रजा की ठीक से देखभाल करे, जिससे वह सिद्धि की चरम अवस्था को प्राप्त कर सके। राजा को हर एक दृष्टिकोण से देखना होता है, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक, आर्थिक, कि किस तरह से इन जितने भी प्रजा है उनको किस तरह से आर्थिक लाभ प्राप्त हो, ताकि वो अपनी आध्यात्मिक उत्थान की दृष्टि से आगे बढ़ सके। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं महाराज युधिष्ठिर ने इन नियमों का दृढ़ता से पालन किया, जैसा कि अगले अध्याय से पता चलेगा। उन्होंने न केवल नियमों का पालन किया अपितु अपने वृद्ध ताऊ की सहमति भी प्राप्त की, जो राजनीतिक मामलों में अनुभवी थे, और उसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण द्वारा भी की गई है, जो श्रीमद् भगवत गीता दर्शन के वक्ता हैं। भगवान श्री कृष्ण भी आगे असल में क्या होगा कि सूत गोस्वामी से शौनक मुनि पूछेंगे कि आपने जो बताया है कि कितना बहुत ही सुंदर तरीके युधिष्ठिर महाराज ने राज्य किया, तो हम उसको जानना चाहते हैं कि किस तरह से उन्होंने राज्य किया। तो जब शौनक मुनि बताएंगे, शौनक मुनि को सूत गोस्वामी बताएंगे आगे कि किस तरह से महाराज युधिष्ठिर ने बहुत ही न्याय के साथ और इन सारे नियमों का पालन करते हुए राज्य किया। आगे श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर आदर्श राजा थे और महाराज युधिष्ठिर जैसे
प्रशिक्षित राजा के अधीन एक राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ सरकार है, जो आधुनिक गणतंत्रों से या सरकारों से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, आजकल तो ये जो सरकार है वो तो बस ऐसे ही खाली टैक्स लेने के लिए होती है, किसी को भी प्रजा के सुख दुख का, उनके आध्यात्मिक उन्नति का, राजनीतिक और आर्थिक विकास का कुछ भी ख्याल नहीं होता है। लेकिन उन्होंने जिस तरह राज्य किया वो बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ था। इस कलयुग में अधिकांश लोग जन्मजात शूद्र हैं, जो निम्न कुल में उत्पन्न हैं, जो ठीक से प्रशिक्षित भी नहीं होते हैं, जो अभागे तथा कुसंगति में रहने वाले हैं, उन्हें जीवन के परम उद्देश्य का भी पता नहीं होता, अतः उनके मतदान का कोई भी महत्व नहीं होता है। मतदान ना बस वोट दे देते हैं और किसी को भी राजा बना देते हैं। अब ज्यादातर लोग शुद्र हैं, उनकी कोई इस तरह से परवरिश नहीं हुई है कि वो जीवन के उद्देश्य को जानते हैं, तो फिर वो बस किसी को भी मतदान अपना वोट दे देते हैं, तो फिर उनके मतदान का भी कोई महत्व नहीं है। अतः वह ऐसे गैर जिम्मेदार मतों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कभी भी महाराजा युधिष्ठिर की समता नहीं कर सकते। और इस तरह के राजा जो आजकल होते हैं वे तो इस तरह न्याय से धर्म पूर्वक राज्य कर ही नहीं सकते। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वो कभी भी युधिष्ठिर महाराज की समता नहीं कर सकते। युधिष्ठिर महाराज जैसे इतने ज्ञानी होने के बाद भी, धर्मात्मा होने के बाद भी, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि वो महाराज धृतराष्ट्र से सलाह देते थे, भगवान श्री कृष्ण से सलाह लेते थे, भीष्म पितामह से उन्होंने इतना सब कुछ सीखा था, और इसके अतिरिक्त उनकी अपनी शिक्षा भी द्रोणाचार्य के द्वारा हुई थी। तो एक महान राजा के सारे गुण थे उनके पास, और वो स्वयं धर्मात्मा राजा थे। तो कोई भी आधुनिक राजा जो है उनके साथ तो जैसे बातें कंपेयर उनका हो ही नहीं सकता। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग शीर्षक नवे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छी तरीके से कर सकूं।